नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला मिरर। एक बेर फिर से यूपीएससी बीपीएससी और नेट के मैथिली भाषा से तैयारी कर रहा छात्र छात्रा के हमरा सबक विशेष क्लास हुनका लोकनिक लेल लऽ कऽ अबैत छी, तकर एकटा नवका अंक में टटका अंक में अपने लोकनिक के बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन करैत छी। आइ हमरा सब एकटा बहुत नीक विषय पर बहुत डिमांड वाला विषय पर हमरा सब बातचीत करब, जे भाषा विज्ञान के तहत जे छै से भारतीय भाषा में दूटा जे छै से अलग अलग जे जॉनर छै, अलग अलग जोन, अलग अलग समूह में, एक समूह में जे छै से हिंदी अबैत छै, दोसर समूह में जे छै से मैथिली अबैत छै। तो अपने सब बुझि गेल होयब जे आइ हमरा सब जे छै से भाषा विज्ञानक दृष्टिये एहि विषय पर बातचीत करब जे हिंदी और मैथिली में जे छै से की समानता छै, कोन कोन समूह से ई भाषा आयल छै निकलल छै, ई सब जे छै से भाषा विज्ञान के पहिल जे हमरा सबक जे अंक छल भारतीय भाषा, ओहिमे अपने लोकन के निश्चित रूप से जे छै से ई चीज पता चलल होयत, पता चल गेल होयत। तो अजुका अंक में जे छै से नारायण बाबू के माध्यम से प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा हमरा सबके एहि बात के जानकारी देतैत, एहि चीज के पढ़ेता जे मैथिली और हिंदी में जे छै से कतेक समानता छै और कोन कोन अंतर छै। कि जेना कि पहले कहलहुँ हँ जे दुनू दू रूट के भाषा छै, दू समूह के भाषा छै, और एहि में जे छै से कतौ की हमरा सबक समानता अइ, अगर समानता अइ तऽ कोन कोन तरहें अइ, और समानता नहि अइ तऽ केना जे छै से एक दोसर से भिन्न छी। तऽ चली आइ नारायण बाबू के क्लास में, और एहि के प्रथम भाग अइ हमरा सब, एहि वीडियो के हम सब दू भाग में रखलहुँ हँ, तऽ एकर प्रथम भाग जे छै से आइ हमरा सब पढ़ाई करब, और द्वितीय भाग में जे छै से एकर दोसर और अंतिम चरण पर सेहो हमरा सब बातचीत करब। मैथिली आ हिंदी के बीच में संबंध के अभिप्राय होइत अछि जे भाषा विज्ञान के आधार पर, व्याकरणक आधार पर, शब्दावली के आधार पर, लोकोक्ति आ कहबी के आधार पर दुनू भाषा के बीच में कोन तरह के समानता अछि आ कोन तरह के असमानता अछि, संबंध के अभिप्राय यह छै, परस्पर संबंध। हम सब एहिठाम दृष्टिपात करी, आधुनिक भारतीय आर भाषाक रूप में मैथिली एवं हिंदी सर्वथा स्वतंत्र भाषा मानल जाइत अछि। एहि तरह के भ्रम नहि हेबाक चाही जे मैथिली हिंदी के बोली अछि वा हिंदी से मैथिली निकलल अछि। जँ कियो एहि बात के प्रस्तुत करै छथि वा एहि तथ्य के अभिव्यक्ति दैत छथि, तक हुनका भाषा विज्ञान के कोनो ज्ञान नहि छै वा ज्ञान नहि रहला के अवस्था में एहि तरह के तथ्यक अभिव्यक्ति ओ दैत छथि। वस्तुतः दुनू भाषा हिंदी आ मैथिली अलग अलग मूलक भाषा अछि, जतय हिंदी सौरसेनी अभ्रंश सँ उद्भव केलक अछि, अर्थात हिंदी के उद्भव, हिंदी के जन्म सौरसेनी अभ्रंश सँ भेल अछि। ओही ठाम मैथिली के उद्भव जन्म मागधी अभ्रंश सँ भेल अछि। जखन दुनू भाषा के दू मूल अछि तऽ फेर किछु लोक के मुँह सुनबै जे हिंदी मैथिली के माय छथिन, ई कतौ से भाषा विज्ञान के आधार पर ई कतौ से तथ्यात्मक नहि अछि, वस्तुतः अज्ञानता में ई भ्रम अछि। मैथिली के अगर माय छै तो संस्कृत छै, जतेक भारतीय भाषा सब अछि तकर मूल में संस्कृत अवश्य अछि, मुदा मैथिली जहिना स्वतंत्र भाषा अछि तहिना हिंदियो स्वतंत्र भाषा अछि आ दुनू के मूल अलग अलग अछि। एहि बात के एहिठाम एक पाँती में लिखबा के प्रयास केने छी। मैथिली भाषा के उद्भव मागधी अभ्रंश सँ भेल अछि तो हिंदी भाषा के उद्भव सौरसेनी अभ्रंश सँ भेल अछि। यथा एहि तालिका में देखियो, प्राकृत
ओना तो पाँचटा प्राकृत पाँच क्षेत्र में विकास केलक, महाराष्ट्री प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत आ पैसाची प्राकृत। मुदा एहिठाम हम दूटा प्राकृत के देखा रहल छी जे ओहि प्राकृत से फिर नाम वह रहलिक, महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अभ्रंश, पैसाची प्राकृत से पैसाची अभ्रंश आ अर्धमागधी से अर्धमागधी अभ्रंश। मुदा ये दूटा प्राकृत के ठा देखेलौं तालिका में, प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश आ मागधी अभ्रंश। सौरसेनी अभ्रंश से निकलल हिंदी, राजस्थानी आ गुजराती, जखन कि मागधी अभ्रंश से निकलल बंगला, उड़िया, असमिया, मैथिली आ मगही। आप देखियो हिंदी आ मैथिली दुनू के दूटा मूल छै, दू खानदान छै, तो फिर एक दोसर के केना जोड़ देबे, एही बात के एहिठाम देखबैत। पुनः हम एहि बात के प्रस्तुत कऽ रहल छी जे भाषा विज्ञान, व्याकरण, शब्दावली, लोकोक्ति एवं साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि मैथिली एवं हिंदी के बीच परस्पर निम्नलिखित संबंध है। आप की संबंध है मैथिली या हिंदी के बीच में, आप एकरा पॉइंट वाइज एक दू तीन क के देखा रहल छी। पहिल, मैथिली के उद्भव कतय से भेल, मागधी अभ्रंश से। मैथिली के उद्भव भेल अछि मागधी अभ्रंश से, जखन कि हिंदी के उद्भव कतय से भेल ये सौरसेनी अभ्रंश से। ई महत्वपूर्ण पॉइंट अछि, दुनू के दू अभ्रंश अछि। दोसर पॉइंट आबू, मैथिली क्रियापद में लिंग भेद नहीं होते अछि। मैथिली के क्रियापद में, क्रियापद मने वर्ब, मैथिली के वर्ब में लिंग भेद नहीं होते अछि, किंतु हिंदी के क्रियापद में लिंग भेद होते अछि। ककरा अनुसार लिंग भेद होते अछि, जब पर्सन अर्थात सब्जेक्ट, पर्सन यदि स्त्रीलिंग छै, पर्सन यदि स्त्रीलिंग छै तो हिंदी में क्रियापद सेहो स्त्रीलिंग भऽ जेतै, मुदा मैथिली में अगर सब्जेक्ट पर्सन पुलिंग छै बा स्त्रीलिंग छै, ओहिसे क्रियापद पर कोनो फर्क नहीं पड़े छै। राम जायत अछि, सीता जायत अछि, दुनू में जायत के प्रयोग भेलै, जौआ का ई तो या जौआ का यो तो या जौआ का ए तो, तीनू तरह लिखल जाइ छै। मैथिली के जे एकटा अभाव वाला पक्ष छै वर्तनी, मुदा जाति जे छै जौआ का यो तो या जौआ का ए तो या जौआ का ई तो, ई पुलिंग में सेहो प्रयोग होइ छै आ स्त्रीलिंग में सेहो प्रयोग होइ छै, मुदा हिंदी में नहि हेतै। राम जाता है, सीता जाती है, जाता आ जाति ई भेलै वर्ब क्रियापद, मुदा राम पुलिंग छलै तऽ क्रियापद पुलिंग भऽ गेलै जाता, आ सीता स्त्रीलिंग छथिन तऽ क्रियापद भऽ गेलै स्त्रीलिंग जाति। एहि बात के एहिठाम हम प्रस्तुत केने छी जे ओ जाइत अछि, मैथिली में पुलिंग में देखियौ ओ जाइत अछि, स्त्रीलिंगो में हेतै ओ जाइत अछि, प्रियंका जाइत अछि आ बसंत जाइत अछि, प्रियंका जाइत अछि, बसंत जाइत अछि, मुदा हिंदी में की हेतै। देखियौ वह जाता है, वह जाती है, स्त्रीलिंग में वह जाती है, वह जाता है, प्रियंका जाती है, बसंत जाता है, अंतर भले ना। ककरा अनुसार क्रियापद के प्रयोग भले, सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के हिसाब से। एहि तरह से दोसर पॉइंट भेल, कोनो कन्फ्यूजन। तेसर पॉइंट, मैथिली भाषा में किछु ठाम र वर्णक प्रयोग होइत अछि, किछु ठाम जतय मैथिली भाषा में र वर्ण के प्रयोग होइत अछि तऽ हिंदी भाषा में ओहि ठाम ल वर्ण के प्रयोग होइत अछि। जेना मैथिली में केरा, केरा लेब, केरा किनबाक अछि,
केरा किनबाक अछि। केरा हिंदी में की होइ छै? केला। हिंदी के केला के मैथिली में केरा कहल जाइ छै। सुनैत हेबै गाम घर में शुद्ध जे मैथिली बस्ता कहथिन जे केरा किनबाक अछि, केला किनबाक अछि नहि कहै छथिन। आब लोग बाजे लगले हैं केला कहै छै, मुदा केरा कहै छै। फल, फर, फर गाछ में फर भ गेलै, सुनबै गाछ में फर भ गेलै, फल भ गेलै नहि कहतै, ल के बदला में र। हल, हल नहीं कहै छै, हर जोतै ले गेले हैं। आब तो हर के कंसेप्ट खत्म भ जेतै, जेना मने वाप्स इंजन के कोयला वाला इंजन के सब स्टेशन सब पर राख के राखल जाइ छै लोग के देखै ले जे एहन इंजन छलै, तहिना अब हर तौर सब के गाम घर में राखल जेतै जे देखियो इएह छियै हर। तऽ हल के हर कहलक, फाल के फार कहलक। फाल नहीं कहै छै मैथिली में, की कहै छै? फार। आ ओ फार कतय लागै छै? तऽ ओही हर में लागै छै। फाल नहि कहलक, फार कहलक। मने हल में, हल में जिस तरह से फाल लगता है उसी तरह से हर में, हर में फार लगैत अछि। बात बुझलियै ने? हिंदी में कहबै, हिंदी में कहबै हल और उस हल में फाल लगेगा, मैथिली में की कहबै? हर। आ वही हर में फार लागत। कहबाक अभिप्राय जे ई वर्ण के आधार पर ई दुनू भाषा के बीच में हम सब अंतर देखलहुँ, जे जतय मैथिली में र के प्रयोग होइत अछि ओतय हिंदी में ल के प्रयोग होइत अछि। ई महत्वपूर्ण अंतर अछि दुनू भाषा के बीच में। एहि तरह से हम ई पॉइंट के अहाँ सबके बीच में प्रस्तुत। आशा ने पूर्ण विश्वास के संग कहि रहल छी जे बहुत रास चीज, बहुत रास कॉन्सेप्ट अहाँ सबके क्लियर भऽ गेल होयत, जे दू समूह के अलग अलग भाषा, एक समूह में हिंदी, दोसर समूह में मैथिली, या कही जे पहिल समूह में मैथिली और दोसर समूह में जे छै से हिंदी, एहि मे कतेक समानता छै, कतेक अंतर छै, एहि तमाम चीज पर जे छै से एकर प्रथम भाग में नारायण बाबू अहाँ सबके सविस्तार बतेलनि हैं। और अगला भाग में जे छै से एकर दोसर और अंतिम भाग में जे छै से जे चीज छूटल अइ ताहि पर हमरा सब सेहो विस्तार से बातचीत करब। आशा ने पूर्ण विश्वास है जे वीडियो अहाँ लोकन के बहुत निक लागल है, तहिना चैनल के संगे बनल रही और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जतेक बेसी से बेसी भ सकै छै। कारण अई सप्ताह जे छै से हम सब 4-5 क्लास अहाँ लोकन के लेल लोक आबि रहल छी, कारण परीक्षा के समय नजदीक आबि गेल छै और बेसी से बेसी हमरा सब तक जे मटेरियल अछि से हम सब कोशिश करै छी जे अहाँ सब तक राखि देल जाय। ओहिके बाद जे और जरूरत हेतै तऽ ओहो मटेरियल जे छै से फेर हम सब बैस करै छी, ओकरा शूट कऽ कऽ अहाँ सब तक पहुँचा देब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।